नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका YouTube चैनल इंटरनेट से सीखो में। दोस्तों, जिन कैंडिडेट्स को बिहार बेल्ट्रॉन के लिए एडमिट कार्ड की इंतज़ार थी, वो उनका जो है इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और उनका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। और किस तरह से उसे डाउनलोड करने हैं, मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलते हैं इसके लिए। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटे के बटन को ज़रूर प्रेस कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ वो आप तक सीधे पहुँच सके और सबसे पहले आप हर न्यूज़ की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख सकते हैं, बिहार बेल्ट्रॉन एडमिट कार्ड कैसे करें डाउनलोड, पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, पूरी जानकारी। तो चलते हैं इसके लिए। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको जो है दोस्तों बेल्ट्रॉन, जी हाँ दोस्तों, बेल्ट्रॉन को आपको टाइप करने हैं। बेल्ट्रॉन को टाइप करने के बाद आपको सर्च करने हैं और उसके ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको चले जाना है। ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है bsedc.bihar.gov.in और इसे क्लिक करने हैं। इसका लिंक मैं अपना सारा लिंक इसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डायरेक्टली जा करके वहाँ पर जा करके आप उस नोटिफिकेशन को, उस एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह से डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन की वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आपको नीचे की ओर आना है। और ये 2 नवंबर 2019 की जो न्यूज़ दी गई है, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर डीओज टाइपिंग, जी हाँ दोस्तों, आपको इसे टाइप करने हैं। तो आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक फॉर बेल्ट्रॉन रिक्वायरमेंट, जी हाँ दोस्तों, आपको इसे 24 सितंबर 2019 की जो न्यूज़ है इसे आपको क्लिक करने, और इसे क्लिक करने के बाद आप इसके जो एडमिट कार्ड की लिंक है उस लिंक पे आप चले जाएंगे जो बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बेल्ट्रॉन की है। तो आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफिसर, अकाउंटिंग असिस्टेंट, अकाउंटेंट, मैनेजर और रिसेप्शनिस्ट और स्टोर कीपर, जी हाँ दोस्तों, इन सभी के लिए जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। और जिस तरह से इसे किस तरह से निकालने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि इंटर डिटेल्स टू डाउनलोड एडमिट कार्ड। तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और टैक्स को, जो ये टैक्स दिया गया है, इस टैक्स को आपको इस कैप्चे को आपको इस कॉलम में भरने और उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देने हैं। तो जो आपका भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर में डाल लेने हैं, इस कॉलम में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है और उसके बाद DOB में डाल लेने हैं। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसे आपको डाल करके इस कैप्चर को इसमें फिल कर लेना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। उस एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड कर लेने हैं और उसे प्रिंट आउट निकाल लेने हैं और जिस तारीख में आपकी एग्ज़ाम तिथि घोषित होगी उस तारीख में आपको अपना एग्ज़ाम दे देने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर इतना करेंगे ताकि जो भी कैंडिडेट्स, अकाउंटेंट, इन सभी एडमिट कार्ड के लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकें। सो दोस्तों, हमारा इस YouTube चैनल में आप सबों का धन्यवाद।